इकरा पब्लिक स्कूल के द्वारा महुआल में हो रहे क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच आज पप्पू 11 महुआल और मिंटू 11 हथौड़ी के बीच खेला गया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में इकरा पब्लिक स्कूल के चेयरमैन इंजीनियर अनवर हक और हरियास के पूर्व मुखिया बशरुद्दीन भी शामिल रहे। इस बेहद ही रोमांचक मुकाबले में पप्पू 11 महुआल ने मिंटू 11 हथौड़ी को 80 रनों से हरा कर कप पर कब्जा जमा लिया। इकरा पब्लिक स्कूल के चेयरमैन इंजीनियर अनवर हक ने बताया कि क्रिकेट काफी लोकप्रिय खेल होते जा रहा है और खेल हमेशा समाज को जोड़ता है। अंत में पुरस्कार वितरण भी किया गया, जिसमें मैन ऑफ द मैच पप्पू महिपाल, मैन ऑफ द सीरीज अरमान अली को दिया गया। न्यू एकरा पब्लिक स्कूल, एकरा पब्लिक स्कूल और एकरा किड्स सीवान की तरफ से उसके सौजन्य से जो है इस मैच को जो है खेला जा रहा है। मैं जो भी इसमें भाग ले रहे हैं प्लेयर, सभी को जो है अपने तरफ से शुभकामना देता हूं और कोशिश करता हूं कि सभी लोग अच्छे से अच्छा मैच खेलेंगे। जीत हार तो होती रहती है, यह जो है खेल का एक यह है हिस्सा है कि कोई जीतता है कोई हारता है, लेकिन मेन जो है मैच में प्रदर्शन देखा जाता है कि किस मैच का प्रदर्शन अच्छा रहा। जितने प्लेयर्स हैं मैं उनका शुभकामनाएं देता हूँ कि खेल अच्छे खेल कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और ये जिला से लेकर स्टेट तक इंडिया लेवल तक खेलने जाए, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। इससे आपसे भाईचारा बढ़ेगा और बच्चों का विकास होगा, जो लोग मैच खेलते हैं बच्चे लोग खेलते हैं उनका भी विकास होगा, जो देखते हैं उनका भी थोड़ा सा मनोरंजन होगा। इसे हम लोग यही सोच के कराते हैं कि भाई लोगों को मनोरंजन हो और बच्चों लोगों का विकास हो। आज इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच है जो कि मिंटू 11 हथौड़ी वर्सेज पप्पू 11 महुआल के बीच खेला जा रहा है और ये मैं बहुत ही तहदिल से शुक्रगुजार हूँ एकरा पब्लिक स्कूल का, जिन्होंने इतने बड़े कार्यक्रम कराने के लिए एक जिम्मेदारी मुझे सौंपा कि मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ। और एकरा पब्लिक स्कूल में अच्छे एजुकेशन के साथ साथ ये एक मैसेज देना था कि हमारे यहाँ बच्चों के लिए खेल कूद के लिए भी बहुत बढ़िया से इंतज़ाम बात है, जिससे इनके आगे फ्यूचर में खेल के लिए भी